हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैक एंड गो। सो राइट नाउ, तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हो, आज मैं आया हुआ हूँ अकबरी मस्जिद आमेर जयपुर। तो गाइस, ये जो इसका जो अकबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा क्या जर्जर हो गया था, तो अब इसका क्या रेनोवेशन का काम हुआ है, तो इंशाल्लाह ये जो है ईद तक बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और गाइज, ये जो हम थोड़ी मस्जिद के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जो ये मस्जिद थी गाइज, ये अकबर के जो है आदेशों से बनवाई गई थी, और राजा जो भारमल है उन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था। तो गाइज, ये जो है बहुत ही खूबसूरत और सुंदर मस्जिद है। तो अभी हम इसको बाहर से भी एक्सप्लोर करेंगे और अब अंदर भी जाएंगे और अंदर से भी पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या है इसमें और कैसा है और अंदर मतलब कैसी लगती है ये मस्जिद, और तो हम पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स सी गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जो मेरे सामने देख रहे हो, ये है अकबरी मस्जिद की जो है मेन एंट्रेंस है ये सामने वाली, और ये जो है तीन मीनार है, वो दो मीनार है मस्जिद की, और ये तीन गुम्बज है मस्जिद की, और ये बाहर एक कुआं भी है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ का गाइस जो है व्यू है। और मेन चीज़ और दूसरी चीज़ गाइस ये भी है कि जो ये अकबरी मस्जिद है ये बनी हुई है आमेर की जो बॉर्डर है, आमेर जो सीमा है, 11 किलोमीटर की जो वॉल है, इसके जो है अंदर ही ये मस्जिद बनी हुई है। तो आप लोग देख सकते हो क्या बेस्ट इसका जो व्यू है और कैसी बेस्ट ये लोकेशन पर बनी हुई है। ये मेन बस स्टैंड पर ये जो है मस्जिद बनी हुई है गाइस, और ये भारे जो है फूल के पेड़ हैं, ये इसकी चार मीनारें हैं। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ मस्जिद की मेन एंट्रेंस पर। तो अब हम अंदर चलेंगे और अंदर से मस्जिद को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, मैं कल आया था तो कल मेरा आधा ही शूट हो पाया, क्योंकि यहाँ के जो मस्जिद के गेट हैं वो नमाज के वक्त ही खुलते हैं, उसके बाद वापस बंद कर दिए जाते हैं। तो लेट्स सी गाइस, चलते हैं अंदर। तो गाइस, जैसे कि आप ये सामने जो कुंड देख रहे हो, ये है वज़ू के लिए जो ये बनवाया गया था। तो इसमें पानी भरा जाता है, उसके बाद में बाहर बैठ के वज़ू वगैरह होता है। और आप सामने से ये मस्जिद का जो है गाइस पूरा इंटीरियर देख सकते हो। द बेस्ट व्यू गाइस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। Thank you.